आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक की मुलाकात आज चिराग पासवान से होती है। हालांकि सवाल जब किया जाता है श्याम रजक से कि क्या बोझा में चिराग से समर्थन की उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यक्तिगत हमारी मुलाकात है, एक रिश्ता रहा है और इसी को लेकर मुलाकात की है। हालांकि तेजस्वी और चिराग की एकजुटता पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है। पूरे बयान को साथ आपको छोड़ जाते हैं। राम बिलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे, जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। बोचहा में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए जिस तरह वैशाली में समर्थन नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके इस मनुवादियों को परास्त करने का काम। चौबीस की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है, एकजुट होकर तैयार हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोगों की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। इस उस मकान को रखना नहीं चाहते, हम लोग की इच्छा थी, हम लोग भी जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रनेता, भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ वो रामविलास पासवान है, तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी और दलितों का अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूं विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है, इस राज और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी।